नमस्कार, खबर की तह तक मैं आप सबका स्वागत है। मैं हूं अंबिका भारती और अब खबर देपालपुर से। कोरोना के दूसरी लहर के समय क्षेत्र के विधायक जगदीश पटेल ने कोरोना की गंभीर हालत को देखते हुए अपनी विधायक नीति से 25 लाख रुपए एवं शासन से 25 लाख रुपए स्वीकृत करवाकर देपालपुर के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की मांग की थी। 6 माह गुजरने के बाद भी इतनी धीमी गति से ऑक्सीजन प्लांट का कार्य पूर्णता की ओर होकर आज भी चालू हालत में नहीं है। बिजली कनेक्शन के अभाव के साथ साथ प्लांट की टेस्टिंग का कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है। केवल मशीनों व कंप्रेशर एयर टैंक आदि लगाकर प्लांट में रख दिए गए हैं। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन वेरियंट के रूप में देश में दस्तक दे चुका है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं हो पाया है। इस संबंध में SDM रवि कुमार सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शीघ्र ही 3-4 दिन में आपको परिणाम सामने आने लगेंगे और प्लांट चालू करने का आश्वासन दिया है। क्षेत्रीय विधायक विशाल जगदीश पटेल ने कहा कि मैं निरंतर अधिकारियों के संपर्क में हूं, बाकी जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन प्लांट चालू करवाया जा सके। यह बात सही है कि शासन के अधिकारियों द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का काम धीमी गति से हुआ है। यह स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है। विद्युत कनेक्शन के नाम से विद्युत मंडल द्वारा केवल 2 पोल खड़े कर दिए हैं। अभी तक DAP भी नहीं लगी है और कनेक्शन भी नहीं किया गया है। सुनते रहिए खबर के तहत तक। धन्यवाद। गोपालपुर में MPP का ट्रांसफार्मर लगना है, उसके लिए बजट की मांग की गई थी। बजट आ चुका है, राशि आ चुकी है, शासकीय राशि, और कल या परसों से पूरे MPP का सामान यहाँ पर आने लगा है। हमने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि बुधवार तक अपना ट्रांसफार्मर तैयार करके लगा देंगे। तो जैसे ही ट्रांसफार्मर लग जाता है तो ऑक्सीजन प्लांट उससे जोड़ दिया जाए कनेक्शन दे करके, और फिर ऑक्सीजन प्लांट भी अपना खड़ा हो चुका है। अब उस ऑक्सीजन प्लांट को जो अपनी अंदर की वार्ड में पाइपलाइन वगैरह है ऑक्सीजन की, उनसे कनेक्ट करना है। अभी विद्युत कनेक्शन भी नहीं हुआ। 30-बेड अस्पताल है अपना, उसके बारे में जो भी अच्छी व्यवस्था होगी अपन करेंगे।